मधु मैं जा रहा हूँ नहाकर बाजार राखी लेने। नहीं भैया मैं अपनी पसंद से राखी लाऊंगी। नहीं 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 मैं खुद ही जा रहा हूँ। मैं खुद डालूँ बदल राखी लेने। लाएगी 10 रुपये का राखी और कहेगी 100 रुपये का है और उसके बदले 500 ले लेगी। इससे बेहतर है कि मैं चला जाऊँ। रे भाई रे भाई रे साला के नाते नहीं सुनाता है तेरे को। अरे साला तूने मुझे मारा कैसे बे? मुझसे भी तो बोल सकता है। साला तेरा ध्यान तो है मोबाइल पे तो सुनेगा क्या घेवरा? अच्छा अच्छा बोल क्या लेना है। साला तेरे पास क्या खूबसूरती का भंडार है कि मैं तेरे से कुछ लूंगा। अरे साला सुधरना जाओ, हम दुकान के सामान की ना बात कर रहे हैं। ओ ठीक है, सबसे कम दाम वाला रखी दिखा। खरीदना है तो बोल, यहाँ पे दिखाने वाला काम नहीं होता है। रुक 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 लाता हूँ। ये 10 रुपये का राखी है। oh, no. और ये 2 रुपये का राखी है। ये 10 रुपये वाला राखी अच्छा नहीं लग रहा और ये फूदना वाला देख ना मस्त लग रहा है, यही दे दे ले। oh, no. साला कंजूस कहीं का। ए भाई ये दूध वाला मिठाई है। हाँ है। भैंस के दूध का है कि बैल के दूध का? पारा का दूध का लेगा। पारा का उसे दूध देना लगा दे। बरस जूगा भाई, कुछ भी हो सकता है। हाँ ठीक है, ज्यादा जवान मत चला, 1 किलो दे। साला पारा के दूध का मिठाई हम कभी नहीं खाए, ये खा के देखता हूँ। वैसे भी मेरे अलावा किसी को थोड़ी पता चलेगा। कोई नहीं है। वाओ साला मस्त लग रहा है। अरे साला मैं तो पूरा मिठाई खा गया, अब घर पे क्या जवाब दूंगा? हाँ कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा, चल देखा जाएगा। ये ले मधु राखी और मिठाई। मम्मी को क्यों बुला रही है? वो दुकान वाला ना साला फटाई पन्नी दे दिया था और आते आते ना पूरा रसगुल्ला नीचे में गिर गया। मत चीनी से राखी बनाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अरे मधु कितना लेट लगा रही है, जल्दी जल्दी आओ ना, भूख बड़ी जोर से लगा पेट में। हो तो गया, कितना आते उतारोगी? आशीर्वाद दीजिएगा तब ना। अच्छा अच्छा तो ये बात है, ये लो। ये बोले आशीर्वाद नहीं, पैसा बोले आशीर्वाद। अच्छा अच्छा ये लो 10 रुपया, अब खुश। नहीं नहीं 500 देंगे। 500? ये को साईं बाबा अब कहना होगा, मैंने तो गर्लफ्रेंड का रिचार्ज कराने के लिए बहुत जुगा के पैसा रखा हुआ था, अब तो लगता है इसके जीत के आगे झुकना ही होगा, इसे ही देना होगा। ओह जाने दो, ये ले 500 रुपया, अब खुश। Wow.
हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों ये रक्षाबंधन का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और भर भर के शेयर कीजिए दोस्तों। और मैंने भैया को आप लोग खूब सपोर्ट कीजिए। और हाँ दोस्तों, आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा जो भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों ये मेरी सबसे छोटकी बहन है और इनके साथ वीडियो बनाए हैं, तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, अपना प्यार दीजिए इस वीडियो पे। धन्यवाद दोस्तों, और रक्षाबंधन की आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।